हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अतीश एंड वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं छपरा, वहाँ पे टावर कंपनी की तरफ से हम लोग की आज मीटिंग है और हमारे साथ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंशु है और आज हमारी सवारी हमारी जान बुलेट। तो इससे हम लोग आज छपरा जाएंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए चलते हैं और वीडियो को एंजॉय करें। अभी हम लोग आधे रास्ते में पहुंचे हुए हैं और आज का जो दिन है ना भाई, बहुत ही मस्त दिन है, राइडिंग वाला दिन है भाई। आज वो हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है, हम लोग के यहाँ पे पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा बारिश, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाइक चलाने में बहुत मजा आ रहा है। तो आइए चलते हैं आगे। हो चुका है 12 बजे का टाइम था और 12:20 हो रहा है, तो वैसे चलते हैं क्या होता है। अभी तो ढाला बंद है तो इंतजार करते हैं और ढाला खुलता है तो उसके बाद चलते हैं हम लोग। यहाँ से टोल रोड समाप्त और हम लोग छपरा में एंट्री कर चुके हैं। देख सकते हैं छपरा टाउन का क्या हाल हो रखा है, नदी बना हुआ है यार। कौन सी नदी बह रहा है आप लोग बता सकते हैं गाइस? तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोग क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? तो चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दुर्गा पूजा का तैयारी हो रहा है, यहाँ पे हर जगह माता का तैयारी जोरों शोर से चल रहा है छपरा में। बहुत बेकार हाल है यहाँ का, सरकार कहाँ छुपी हुई है। घर से निकले थे हम लोग पूरा सज धज के और छपरा आते आते हो गया हम लोग का बहुत ही बुरा हाल। तो बढ़ते आगे, यहाँ से निकल गए और ये हम लोग आगे निकल गए यहाँ से। भाई सामने कौन सी नदी बह रही है आप लोग बता सकते हैं? गजब बेइज्जती है। पैर को ऊपर करते हैं सबसे पहले, तो नहीं तो यार एक जगह तो मेरे भर गया था पूरा, मेरा पैंट भर गया यार। ओ भाई ये निकलने दे भाई, क्या कर रहा है। तो चलते आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग जंक्शन पे पहुंचने वाले हैं छपरा जंक्शन। ओड उतना भाई साइड दे दे यार जल्दी में यार, हम लोग नहीं जान देगा यार। बाहर की सिचुएशन को भी पता करो भाई, छीटा उड़ाते जा रहा है पूरा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे भाई धीरे चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर से भर जाएंगे हम लोग। धीरे ही चलते हैं और अभी हम लोग छपरा जंक्शन पे पहुँच चुके हैं, छपरा जंक्शन देखते हैं, देखते हुए चलते हैं छपरा जंक्शन मिनी मार्केट। भाई रोड पे ही ठेले लगा रखे हैं आपके, तो आप लोग देख सकते हैं इस साइड पे। ओ सामने छपरा जंक्शन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम लोग छपरा जंक्शन पे पहुँचे हैं और ये आप लोग देखिए भाई, तो अभी हम लोग थोड़ा जल्दी में हैं तो चलते हैं, फिर कभी आपको दिखाऊंगा अच्छे से छपरा जंक्शन की सैर कराऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं बाहर आगे बढ़ते हैं हम लोग और शॉर्टकट रास्ता यार ऐसे ही होता है, आप लोग को पता भी होना चाहिए। अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो शॉर्टकट रास्ता आपको ऐसे ही मिलेंगे। ओ भाई ये क्या चीज है, ये तो कोई महल लग रहा है भाई, भूतों का महल, खंडर जैसा हो रखा। तो अभी हम लोग बस स्टैंड में पहुंचे हैं, छपरा का बस स्टैंड है ये,
हर जगह की अलग अलग बसें रुके हैं यहाँ पे, हैं हर जगह की अलग अलग बसें यहाँ पे, और सब जगह की बस चलती है भाई यहाँ से। आप टाटा चले जाइए, रांची चले जाइए, पटना जाना हो, हर जगह की आपको बस मिलेगी यहाँ से छपरा बस स्टैंड। और अभी यहाँ पे चापा बहुत सारे प्रोसेस करने वाला है, आने वाले 4-5 सालों में छपरा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे हर जगह ओवर ब्रिज वगैरह बहुत काम चल रहा है। 4-5 साल बाद तो पता चलेगा यहाँ का। तो ये रोड देखो यार, यार इस रोड में यार अगर पैर नीचे रखना पड़े बहुत मुश्किल टफ होने वाला है भाई। मैं तो नहीं रखूंगा यार यहाँ पे पैर नीचे अपना, यार इतनी गंदगी में कौन पैर रखेगा, देखते हैं। लेकिन रखना तो पड़ेगा यार, अगर गाड़ी कहीं स्लो होती है। लेकिन ज़्यादा ट्राई करूँगा मैं पैर नीचे ना ही रखने के लिए, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ का। ओवरब्रिज का काम चल रहा है ना यहाँ पे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है ओवरब्रिज बनने में। और भाई डाला बंद है यार यहाँ पे, हम लोग को सीधे निकलना है, क्या निकल जाएंगे यार। ट्रैफिक लगा हुआ था भाई, ओ भाई गली का भी वही हाल हो रखा है यार यहाँ पे तो। बारिश, पैर अपना उठा लेंगे हम लोग। अभी हम लोग रोड ये नदी पार कर रहे हैं भाई। तो कुछ इस होटल में जाना है, उस होटल का नाम है इंद्रलोक होटल है, गया हूँ मैं वहाँ पे, पास में ही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। चलेंगे, देखते हैं इंद्रलोक होटल। तो लेट तो हो गया है, अब जाने के बाद ही पता चल रहा है वहाँ पे क्या क्या अभी हो गया है। यहाँ से अंदर चल रहे हैं यहाँ से भाई। तो गाइस हम लोग इंद्रलोक होटल पहुँच चुके हैं, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ एक बार। सामने आप लोग देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है इंद्रलोक होटल का, हम लोग को इसी में जाना है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पे अंदर में पार्क करेंगे। तो आइए अपने गाड़ी को यहाँ पे पार्क करते हैं अंदर, और यहीं पे पार्क कर देते हैं ना, यहीं पे पार्क। हम लोगों ने अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया है, अंशु भैया। तो आओ चलते हैं, लेट तो हो चुका है, आओ। तो आइए खत्म हुआ है। अभी हम लोग जाएंगे लंच करने, लंच का टाइम है, और उसके बाद एक लकी ड्रॉ भी होगा, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा प्राइज मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, लंच करते हैं पहले, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो आइए लंच।
तो गाइस अभी हम लोगों ने लंच कर लिया और लंच सही था ना, लंच सही था गाइस, बहुत अच्छा लगा गाइस, हम ने भी खाया। तो आइए चलते हैं, एक लकी ड्रॉ होने वाला है उसको करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो चलते हैं फिर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फर्स्ट प्राइज, तो बस फर्स्ट प्राइज मिल गया है। आज डाबर का च्यवनप्राश का मीटिंग था, काफ़ी अच्छा लगा आप लोग च्यवनप्राश की मीटिंग में आए, बारिश इतना बारिश होने के बावजूद भी आप आए और मीटिंग में अपना सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, थैंक यू सर, थैंक यू। सो गाइस हम लोग बहुत खुश हैं, हमें फर्स्ट प्राइज मिला, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पे क्या करना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि मेरी और भी वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक मिले, तब तक लिए बाय बाय बाय।